डियर स्टूडेंट प्लस वन बी क्लास, आज हम करेंगे लेसन नंबर 12 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है पार्टनरशिप में। तो अब करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है बेटे, वो दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स के बीच में एग्रीमेंट के द्वारा होता है। तो इसके को समझाने के लिए ये समझो, ए पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल को लगाते हैं, और सर्विस विद ए पर्पस टू रन, और उनकी सर्विसेज का मतलब होता है ए बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट कमाए। तो ये थी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए मैं आपको बताती हूँ कि पार्टनरशिप जो है वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है और ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। अगर रिटर्न होती है तो पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। वो एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में और प्रूफ इन कोर्ट होता है। दूसरी जो पार्टनरशिप ओरल होती है वो उसका दूसरा नाम होता है साइलेंस ऑफ डीड। वो कोर्ट में प्रूफ के लिए यूज़ नहीं की जाती क्योंकि वो ओरल होती है। अब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आता है कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जो भी पार्टनरशिप होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या किए जाती है, पार्टनरशिप की जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न रूप में हो तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, अगर ओरल हो तो उसे साइलेंस ऑफ डीड कहेंगे। दूसरा, मोर देन वन पर्सन, एक बंदे से पार्टनरशिप नहीं होगी, उसमें दो या दो से ज़्यादा मेंबर होने जरूरी हैं। अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो सभी पार्टनर्स के बीच में बट जाता है, वो रेशो के हिसाब से बट जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी होती है फॉर्म की वो सभी पार्टनर्स को ही देनदार होते हैं उसके लिए। आगे आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, सभी पार्टनर्स को अपने अपने हिस्से की कैपिटल वहाँ पर लगानी पड़ती है। आगे आता है कलेक्टिव मैनेजमेंट, सारे मिलके काम करते हैं पार्टनर्स। लाइफ स्पैन का मतलब होता है बेटे, जब तक पार्टनर्स चाहते हैं, उनकी विल है, तब तक जो पार्टनरशिप चलती है। जैसे अगर नए पार्टनर आते हैं तो पार्टनरशिप पहले ख़त्म हो जाएगी, नए सिरे से होएगी। डेथ हो जाती किसी पार्टनर, तब भी नए सिरे से होएगी। इस तरह से ये है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू।